प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को कट करने के लिए गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी बनाई जाती हैं सो इन दिस सेक्शन आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाउ द गवर्नमेंट रेगुलेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम सो गवर्नमेंट्स कोई भी मुल्क में जब जब देखती हैं कि यहाँ पे शेयर uh, होल्डर्स को इन्वेस्टमेंट करना है uh, इस तरह के काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है तो देन दे मेक इट श्योर कि जो कंपनीज हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं तो उनको बुक कीपिंग के लिए एक सर्टन फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है और उससे क्या होता है कि इफ ऑल द फॉर्म्स आर मेंटेनिंग देयर बुक्स अकॉर्डिंग टू दो स्पेसिफिक डिफाइंड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स तो वहाँ एक काफ़ी हायर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डिसमिनेट होती है शेयर होती है विद इन्वेस्टर्स विद ऑल द फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड जो um, वैसे ब्रोकर्स हैं जो कुछ भी हैं जो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं लोग या स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनके उनको काफ़ी इससे मदद मिल जाती है बिकॉज एक यूनिफॉर्म तरीका इस्तेमाल हुआ है स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं बुक कीपिंग के लिए अपनी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को मेनटेन करने के वास्ते बताने के लिए तो हमारे पास दो तरह के कॉमनली पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वन इज नोन एज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जिसको हम आई एफ आर एस बोलते हैं द अदर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर बींग फॉलोड बाई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड अ नंबर ऑफ फर्म्स हु आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग uh, वो are strictly ट्राइंग टू बिकम शरिया compliant या वो शरिया कम्प्लाइंट अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं कि हम शरिया कम्पलाइंट फॉर्म्स हैं या शरिया कम्प्लाइंट बैंक्स हैं या शरिया कम्प्लाइंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएटीज़ हैं तो देन दे आर बाउंड टू फॉलो द एओफी ओ फी स्टैंडर्ड्स एटैंडर्ड्स का मतलब है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गनाइजेशन है ऑफ फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं और वो उसको अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे तश्रहात आती हैं शरिया के

डिफ़ाइन करते हैं कि हम शरिया कम्पलाइंट हैं यानी कि शरिया को फॉलो करने वाले हैं वो आई एफ आर एस को फॉलो नहीं करेंगे वो ए फी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और ए फी मैंने अभी आपको बताया इट इज़ द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उनके स्टैंडर्ड्स हैं और उन स्टैंडर्ड्स को पाबंद हैं वो तमाम कंपनियाँ जो कि अपने आप को शरिया कम्पलाइंट बोलती हैं या बैंक्स वो इनको फॉलो करते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ फर्म और अ बैंक और वो शेरकम लाइन नहीं है वो कन्वेंशनल है तो वो उसको वो पाबंद है कि वो आई एफ आर एस के स्टैंडर्ड्स को यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी जब वो अपने रिकॉर्ड बुक कीपिंग करती है अपने जो आ, सारा हिसाब करती है डिफाइन करेगी अपने लेन देन को और टैक्स कैसे कितना पे किया था और यहाँ अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कैसे आएंगे डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शन के उनके ऊपर टैक्स लेवी होती है नहीं होती तो वो तमाम जो बुक कीपिंग होती है उसके लिए उनको एक कानून फॉलो करना पड़ता है विच इज़ आई एफ आर एस ये क्यों किया गया है गवर्नमेंट पाबंद करती है कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए और रेगुलेट करने के का मतलब क्या है कि वो कोशिश कर रही है कि जब तमाम कम्पनियाँ ये तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगी रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगी और शेयर करेंगी तो उससे क्या होगा प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को हम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट तक कम कर सकते हैं ताकि जो ऑपरेशंस um, में हैं या जो लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो सिर्फ ख़ुद का फायदा ना देखें रादर वो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो शेयर होल्डर है उसका फ़ायदा भी देखें ओवरऑल कंपनी का फ़ायदा भी देखें और खुद का फायदा भी देखें लेकिन सिर्फ अगर खुद का फायदा देखेंगे तो फिर वहाँ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आ जाएगा तो अगैन बेन द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसिपल एजेंट इज कंट्रोल टू सम एक्सटेंट, इट इज नॉट एलिमिनेटेड कम्पलीटली सो इट हैज बीन ऑब्जर्व कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से कम किया जा सकता है मगर ये कंप्लीटली इराडिकेट नहीं हो सकती